हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक विकसित देश जापान के बारे में। वैसे तो दोस्तों आप सभी जापान के बारे में भली भांति जानते होंगे, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी बातें बताऊंगा जिनको शायद आप नहीं जानते होंगे। जापान एशिया का सबसे विकसित देश माना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों में से एक है। यह चार बड़े और लगभग 7,000 छोटे द्वीपों के समूह से बना है। यह सभी द्वीप प्रशांत महासागर का हिस्सा हैं। चीन, कोरिया तथा रूस जापान के पड़ोसी देश हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है। याकोहामा, ओसाका तथा क्योटो जापान के बड़े महानगर हैं। जापान का लगभग 70% हिस्सा पहाड़ी है और यहाँ 200 से ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। जापान में हर साल 1500 से अधिक भूकंप आते हैं। जापान के लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं। यहाँ तक कि जापानी ट्रेनें भी 30 सेकंड से ज़्यादा लेट नहीं होती। जापान देश की मातृभाषा जापानी है। इस देश के लोग जापानी भाषा में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जापान दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला किया था। जापानी लोग काली बिल्ली को बहुत शुभ मानते हैं, इसलिए जापान में काली बिल्ली अधिक पाली जाती है। जापान रिसर्च टेक्नोलॉजी उपयोग के क्षेत्र में पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। जापानी लोग आए दिन नए नए आविष्कार करते रहते हैं। जापान के लोग मछली खाना बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जापान समुद्र से घिरा होने के बावजूद भी यहाँ की मछलियों से इनका गुजारा नहीं होता। 30% मछलियाँ खाने के लिए यह दूसरे देशों से मंगवाते हैं। पूरी दुनिया में साक्षरता के मामले में जापान नंबर 1 पर है। यहाँ के 100% लोग साक्षर हैं। जापान के लोग 4 नामक संख्या मतलब 4 को अशुभ मानते हैं। यहाँ के लोग 4 नामक संख्या का कहीं प्रयोग नहीं करते। यहाँ तक कि ये लोग इमारतों में भी 3 मंजिल के बाद 4थी मंजिल को 5वीं मंजिल मान लेते हैं। जापान में 1 जनवरी को नव वर्ष का स्वागत मंदिर में 108 घंटियाँ बजाकर किया जाता है। फुगु जापान में लोकप्रिय पकवानों में से एक माना जाता है। यह एक जहरीली मछली का पकवान है जो बेहद स्वादिष्ट होती है। इस पकवान को केवल लाइसेंस वाले वेटर ही बना सकते हैं और वह इसे ग्राहकों को बेचने से पहले खुद चक्कर देखते हैं कि कहीं यह जहरीली तो नहीं रह गई। फुगु का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इन्हें 10 साल की ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स, यह थी कुछ जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।